नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गर्मी कितनी क्यों ना हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? दलित वंचित पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है प्रधानमंत्री मोदी। गया के ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 5 रैलियां करनी है, सारे प्रोटोकॉल छोड़कर यहां पहुंच गया। विश्व विख्यात ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह वह धरती है जो मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। सौभाग्य की बात है जब मैं गया जी आया हूँ, आज नवरात्रि भी है और सम्राट अशोक की जयंती भी है। भारत एवं बिहार अपने उस प्राचीन गौरव को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह चुनाव विकसित भारत और विकसित संकल्प का चुनाव है। इस धरती पर उमड़ा जन सैलाब, अपार जन समर्थन, आपका उत्साह साफ बता रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार का नारा लगवाए प्रधानमंत्री ने। गया के लोगों का यह प्यार एवं आशीर्वाद कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसा पहली बार है किसी संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है। मोदी गरीब घर से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आपका यह उत्साह सर आंखों पर, आपका यह प्यार जीवन भर मेरे कानों में गूंजता रहेगा। जनता से इच्छात मांगे प्रधानमंत्री ने कि आगे बोलना शुरू करो, यह ऊर्जा बचाए रखिए, 4 जून को भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। लालू यादव के लिए परिवार फर्स्ट, योगी आदित्यनाथ। राजद से कोई उम्मीद मत करिए, कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती। गया। नवादा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवादा लोकसभा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के डीही आहार के मैदान में सोमवार को एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, विपक्ष के ने केवल समस्याएं दी, मोदी ने समाधान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती, ना लोगों को मुफ्त राशन दे पाती। योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, कहा कि लालू के परिवार वाले यूपी में भी हैं, हमने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया है, बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है, यही मोदी की गारंटी है। हमने एक तरफ भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया, दूसरी तरफ अपराधियों और माफियों को राम नाम सत्य पर भेजने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और आरजेडी वाले राम मंदिर पर सवाल उठाते थे। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब 5 लाख लोग आते हैं और कोई समस्या नहीं होती। ये संभव हो पाया है मोदी जी के कारण। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल